हेलो व्यूअर्स, मैं हूं योगी, आप लोगों का दोस्त। आज हम वीडियो के अंदर कुछ एक्साइटिंग बताने जा रहे हैं। ये है वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन, जिसे हम अपने गाड़ी के साइड मिरर्स पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। और आप इसको हमारी शॉप से आके परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं से भी परचेज करना हो या अमेजोन से भी परचेज करना हो तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली आप इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बारिशों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। साइड मिरर्स, ज़्यादातर साइड मिरर्स हम क्या है, आगे तो वाइपर होते हैं, हमें आगे का तो दिखता है लेकिन हम पीछे का नहीं देख पाते। वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि साइड मिरर्स के ऊपर पानी आ जाता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। और फॉर दैट दिस इज़ दी बेनिफिशियल ऑप्शन, दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन इन दी मार्केट अवेलेबल। हालांकि ये मेड इन चाइना है, मैं मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई अदर ऑप्शन है नहीं। एक ग्लास कोटिंग होती है, वो ग्लास कोटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो उस ग्लास कोटिंग को ना सोचते हुए ये बहुत ही चीपर ऑप्शन है। 120 या 150 रुपये के अंदर आपको ऑनलाइन परचेज करने को मिल जाएगा। अब हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, आप देख लो, मंगवा लो, खुद लगा लो और इसके मज़े उठाओ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने ग्लास को जो है क्लीन कर लो अच्छे से। आपका ग्लास क्लीन होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब ग्लास क्लीन होगा वो जब ग्लास डस्ट फ्री हो जाएगा तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, आप देखते रहना बिल्कुल। ये माइक्रोफाइबर क्लोथ है, इस माइक्रोफाइबर क्लोथ का यूज़ करना क्योंकि ये डस्ट को सोख लेता है, डस्ट और वाटर दोनों को सोख लेता है। इसी का यूज़ करना और किसी अदर का यूज़ मत करना, वरना वो डस्ट किसी के पास रह जाएगी और वो फिर उस फिल्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हालांकि इसके साथ अल्कोहल स्वैप भी मिलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस टाइप का लिनन क्लोथ भी मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फिल्म को लगाना कैसे हैं, आप सिंपली इसके ऊपर आप पानी मारिए, ठीक है। पानी के साथ ये स्टिक हो जाता है और उसके बाद ये रही फिल्म। फिल्म के दो साइड हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। ये देखो, इस पे मेंशन है फ्रंट और इस पे मेंशन है बैक, आप देख सकते हैं बैक मेंशन है। तो बैक वाली फिल्म जो है वो यहाँ जाएगी, फ्रंट वाला पार्ट आपको हमेशा सीधा सामने दिखाई देना चाहिए। अब मैं जो बैक फिल्म है उसको हटा रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ से हटा के मैं सीधा सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे स्टिक करने वाला हूँ, आप देख ही सकते हैं। और ऐसे ये स्टिक कर दिया, ये बैक वाला हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ये साथ में ये मिलता है इसी पैकेट के अंदर, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी पानी उसके नीचे होगा उसको हटा दो अच्छे से, और ये जो है आपके ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली कोई भी कर सकता है, कोई छोटा बच्चा भी अपने घर के अंदर ये काम कर सकता है। आप देखा ना मैंने किस तरीके से करा, बस क्या फिल्म के नीचे जो है कोई पानी की ड्रॉप नहीं आनी चाहिए, वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा बस, ठीक है। ये एक अच्छे से स्टिक हो चुका है, बस अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाली जो है लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, उस फिल्म की उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैं ऊपर की जो फिल्म है इसको मैंने रिमूव कर दिया, और क्या नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। अब ये जो फिल्म है इसके ऊपर कहीं पानी नहीं है, और आसपास अगर आप गौर से देखेंगे तो पानी है। अब मैं इस पर पानी मार के दिखाता हूँ, और पानी ऊपर मार के दिखाता हूँ, ऊपर पानी रुक रहा है लेकिन फिल्म के ऊपर कहीं भी पानी नहीं है। देखा जादू जीवन, ये है असली जादू। तो आप भी लगवाओ और इस जादू के मजे लो और लोगों को भी मजे लो दोस्तों। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू।